Realme GT 6 जो इंडिया में दो दिन बाद लॉन्च होने वाला है और Realme GT 60 जो ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो चुका है। दोस्तों आज मैं दोनों फोन्स के कंपैरिजन बताने वाला हूं, जहां पे परफॉर्मेंस टेस्ट, गेमिंग टेस्ट, बैटरी टेस्ट और कैमरा टेस्ट डिटेल में बताने वाला हूं। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे टेक स्ट्रीट। और जैसे कि आपको पता है लेटेस्ट टेक अपडेट सबसे पहले हमारे ही चैनल में देखने मिलते हैं, तो ऐसे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिव अवे देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कि मैंने बताया Realme GT 6 जो 20 जून को लॉन्च होने वाला है और Realme GT 60 जो ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो चुका, लेकिन दोनों फोन्स के लुक में तो कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, दोनों लुक्स में सेम ही देखने को मिलते हैं। Realme GT 60 में Snapdragon 7 Plus Gen 3 प्रोसेसर मिल जाता है और Realme GT 6 में Snapdragon 8S Gen 3 प्रोसेसर। तो Realme GT 60 और Realme GT 6 में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे दोनों के प्रोसेसर डिफरेंट है, तो यहाँ पे सबसे पहले परफॉर्मेंस टेस्ट ही देखते हैं। तो हेवी गेम गेंजिन इंपैक्ट का टेस्ट देखते हैं। Realme GT 6 में टेस्ट देखे तो 60 FPS हाईएस्ट सेटिंग पे खेलने पे एवरेज फ्रेम रेट 54.2 FPS तक मिल जाती है और Realme GT 60 में सेम टेस्ट देखे तो एवरेज फ्रेम रेट 55.1 FPS तक मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस में तो माइनर सा डिफरेंस देखने को मिलता है। टेस्ट में Realme GT 6 का टेम्परेचर जल्दी से इंक्रीज होता है। आप यहाँ पे Realme GT 60 का टेम्परेचर भी देख सकते हैं। GT 60 में मैक्सिमम टेम्परेचर 49.8 डिग्री तक जाता है, वहीं Realme GT 6 में मैक्सिमम टेम्परेचर 51.1 डिग्री तक चला जाता है। तो कंपेरेटिवली Realme GT 6 में ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से Realme GT 6 में स्लाइटली बेटर मिलता है। बाकी दोनों फोन्स में बैटरी कैपेसिटी भी सेम ही मिल जाती है। दोनों फोन्स में 5500 मिलियम हावर की बैटरी मिल जाती है। दोनों फोन की बैटरी लाइफ शायद डिफरेंट प्रोसेसर की वजह से कुछ डिफरेंस देखने को यहाँ पे मिल सकता है। आप यहाँ पे बैटरी एंड्यूरेंस टेस्ट भी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे भी मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, बस Realme GT 6 में थोड़ा सा ही बेटर परफॉर्मेंस मिलता है। बाकी दोनों फोन्स में चार्जिंग सपोर्ट की बात करें तो Realme GT 6 में 120 वॉट्स का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, वहीं Realme GT 60 में 100 वॉट्स का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। Realme GT 6 को 0-100% चार्ज होने में करीब 26 मिनट लगती है, लेकिन GT 60 में 30 मिनट्स लगती है। तो यहाँ पे 4 मिनट्स का ही माइनर सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, बाकी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कैमरा की बात करें तो दोनों फोन्स में सिमिलर कैमरा सेटअप मिल जाता है। आप यहाँ पे दोनों फोन्स के सिंपल फोटोज़ की कंपेरिजन देख सकते हैं। दोनों में डे टाइम में फोटोज देख सकते हैं, सनलाइट में ऑलमोस्ट सिमिलर फोटोज मिल जाते हैं। बाकी के पिक्चर में भी मेजर गैप देखने को नहीं मिलता है, वाइट बैलेंस भी ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट मिलता है। ओवरऑल बात करें तो Realme GT 6 में शार्पनिंग Realme GT 60 के कंपेयर में ज़्यादा बेटर मिलता है, क्योंकि डिफरेंट ISP लगी है। बाकी की सैंपल फोटोज भी यहाँ पे देख सकते हैं। दोनों फोन्स के कैमरा के टेस्ट में माइनर सा ही डिफरेंट देखने को मिला, आपने यहाँ पे देखा। अब फोन में डिस्प्ले की बात करें तो दोनों फोन्स में सेम ही डिस्प्ले मिल जाती है। दोनों में 6.78 इंच की ATPO AMOLED डिस्प्ले मिलती है और ये BOE की डिस्प्ले है, रिजोल्यूशन 1.5K का मिल जाता है। स्क्रीन में 80 LTPO टेक्नोलॉजी का भी यूज हुआ है, तो रिफ्रेश रेट एडेप्टिव मिलेगी और इस सेगमेंट की ये बेस्ट डिस्प्ले है। बाकी फोन्स में डिजाइन की बात करें तो दोनों फोन्स में प्लास्टिक की फ्रेम मिलेगी और प्लास्टिक का बैक मिल जाएगा। दोनों फोन में सेम ही OS मिलता है, यूजर एक्सपीरियंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर मिल जाता है और LTPO डिस्प्ले है तो स्वाइपिंग एंड स्क्रॉलिंग इफेक्ट भी स्मूथ मिल जाएगी, क्योंकि रिफ्रेश रेट 1Hz टू 120Hz मिलती है। जैसे कि स्क्रीन शॉट देख सकते हैं, जहां पे 60Hz का रिफ्रेश रेट का यूज होता है और पॉपअप विंडो में 120Hz का रिफ्रेश रेट का यूज मिल जाता है। बाकी दोनों फोन्स में AI कैपेबिलिटी भी सेम मिल जाती है, दोनों में ड्यूल GPS फ्रीक्वेंसी भी मिलती है और दोनों में IP54 प्लस रेजिस्टेंस रेटिंग भी मिल जाती है, तो थोड़े बहुत बारिश के छींटों में आप इस फोन का यूज कर सकते हैं। दोनों फोन्स की प्राइस की बात करें तो Realme GT 60 की प्राइस इंडिया में 30,999 से शुरू होती है विदाउट एनी ऑफर और Realme GT 6 की प्राइस डेफिनेटली Realme GT 60 से थोड़ी ज़्यादा आ सकती है, लेकिन माइनर सा ही डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों फोन्स में। कंक्लूजन पे आए तो दोनों फोन्स में परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर मिल जाता है, Realme GT 6 में स्लाइटली ही बेटर मिलेगा, लेकिन वहीं टेम्परेचर कंट्रोल Realme GT 60 में ज़्यादा अच्छा है। कैमरा के मामले में Realme GT 6 में स्लाइटली बेटर इमेज मिलती है, बाकी बैटरी सिमिलर है, बस चार्जिंग में Realme GT 6 थोड़ा कम टाइम लेता है।
बाकी दोनों फोन्स की डिस्प्ले सेम ही मिलती है। मैंने सोचा था रियलमी GT 6 में ग्लास बैक है, लेकिन शायद ये GT 6 में भी प्लास्टिक बैक ही मिलेगा, तो मटेरियल में भी दोनों फोन्स में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर प्राइस में 2000 से ज़्यादा डिफरेंस आता है तो रियलमी GT 6T को ही कंसिडर करना चाहिए। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं दोनों फोन्स के बारे में, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और आप इन दोनों में से कौन सा फ़ोन लेंगे वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों लेटेस्ट फोन के लीक्स, लॉन्च डेट, टेक न्यूज़ और अगला व्यू सबसे पहले देखने के लिए मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो करना ना भूलें, और लेटेस्ट फोन और गैजेट्स के 1 मिनट में अनबॉक्सिंग देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।